I will become Pokemon champion. Mia tu sara Pokemon sirf Pokeball se catch kiranga. Okay. तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं लकी मैन से भी लकी इंसान के बारे में, वो नन अदर देन हमारा पोकेमोन ट्रेनर गो है। तो आज मैं आप सबका क्लियर करने वाला हूँ डाउट कि गो कैसे लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ लेता है पोकीबॉल्स में, एंड वो नॉर्मल पोकेमोन्स को भी इतनी जल्दी आसानी से पोकीबॉल्स में कैसे पकड़ लेता है। ये डाउट मेरे माइंड में भी था एंड मैंने अपना डाउट क्लियर कर लिया है, एंड हो सकेगा तो मैं आप सबका भी डाउट क्लियर कर पाऊंगा, बट उसके लिए तुम्हें पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। बट हाँ, उससे पहले क्या आप घर पर बैठे हो रहे हो बोर, तो खेलो गेम्स एंड अर्न मोर। पूछोगे नहीं कैसे, अरे मैं बताता हूँ कैसे। बस क्रोम पर टाइप करो www.skillclash.com। हाँ यार, स्किल क्लैश, आपने इसके बारे में डेफिनेटली सुना होगा। जी हाँ, ये वही वेबसाइट है जिस पर आप रोज के 300 से 400 रुपए कमा सकते हो। सबसे यूनिक बात तो इसकी ये है कि इसकी कोई ऐप नहीं है, यानी कि कुछ इंस्टॉल नहीं करना। सिंपली यार तुम्हें सर्च करना है, वहाँ पर जाकर तुम कैरम, क्विज, क्रिकेट, पूल जैसे कोई मज़ेदार गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हो। जीते हुए पैसे तुम पेटीएम, यूपीआई या अमेजोन पे में इंस्टेंटली यार ट्रांसफ़र करो और निकाल के मज़े करो। मैं भी इस प्लेटफॉर्म पर पर्सनली अर्निंग करता हूँ और डायमंड्स खरीदता हूँ। अपने दोस्तों को रेफ़र करोगे ना तो तुम्हें उसके भी अलग पैसे मिलेंगे, एंड बीच में ऑर्गेनाइज़ करो टूर्नामेंट्स एंड वहाँ पे भी अलग से कमाओ। स्पेशल टूर्नामेंट्स में तुम बाइक, मोबाइल फ़ोन, हेडफोन्स जैसी कीमती चीज़ें प्राइज़ में जीत सकते हो। एंड मैं बताना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी जल्दी पॉपुलर हो रहा है। लिटरली 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की संख्या ना यहाँ पर गेम्स खेलती हैं एंड अर्निंग करती हैं। तो एक बार तुम्हारा ट्राई करने में क्या जा रहा है, जल्दी जाओ ट्राई करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बिना कोई वक्त वाए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इतनी छोटी सी बात हो गई है पूरी हमारी वीडियो की कि लेजेंडरीज को उसने कैसे पकड़ा। कुछ ना कुछ प्लॉट आर्मर था या फिर कोई पोकेमॉन इंजर्ड था। अब हम आते हैं अपनी मेन बात पर, जिस चीज़ ने मेरे को कन्विंस किया कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए। तो गो पकड़ता है दूसरे पोकेमॉन्स यानी कि नॉर्मल पोकेमॉन्स को, जैसे कि उसके पोकेमॉन्स है सीजर, हेराक्रॉस जैसे औसम औसम पोकेमॉन्स, एक ट्रिक आजमाता है वो। और वो ट्रिक तुम्हें और अच्छे से पता होगी अगर तुमने पोकेमॉन गो गेम खेला है। हाँ, ये वही गेम है जिसके आते ही बहुत सारे लोगों की जान गई थी, बट अगर हम अपनी करंट सिचुएशन की बात करें तो आज भी यार बहुत लोग खेलते हैं इस गेम को। कुछ हैक्ड वर्जन खेलते हैं, कुछ नॉर्मल वर्जन भी खेलते हैं। बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पोकेमॉन कंपनी अपना ये गेम प्रमोट कर रही है गो रिगार्डिंग भी, क्योंकि जैसे तुम गो बोलते हो उसी से तुम्हें प्रोनाउंस होता है पोकेमॉन गो। तो ये टेक्निक भी है पोकेमॉन कंपनी की अपना गेम प्रमोट करवाने के लिए। बट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पोकेमॉन को रिलेटेड है उसके पोकीबॉल से। तो समझो इस बात को, कभी भी गो पोकीबॉल फेंकता है ना किसी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए, वो नॉर्मली तरीके से नहीं फेंकता, या फिर वो पोकेमॉन को चांस नहीं देता कि वो खुद आ जाए। यहाँ पर वो फेंकता है कर्व बॉल। तो कर्व बॉल सिंपल टर्म्स में एक ऐसी टेक्निक है कि तुम अपनी पोकेबॉल को होल्ड करो एंड रोटेट करो, एंड जब वो फेंकी जाएगी ना तब वो घूमते हुए सेंटर पर जाएगी। एंड यहाँ पर कर्व बॉल से जो चांसेस होते हैं ना पोकेमॉन के पोकेबॉल से बाहर निकलने के, वो कम हो जाते हैं। जिन जिन ने पोकेमॉन गो गेम खेला है उन्हें चीज़ पता भी है। एंड कहा जाता है कि 1.7 गुना चांसेस ना ये बढ़ा देती है कर्व बॉल उस पोकेमॉन को कैच करने के। दैट मीन्स कि 70% चांस उस पोकेमॉन को कैच करने के बढ़ जाते हैं। तो यही ट्रिक हमारा गो आजमा रहा है पोकेमॉन जर्नीज में, एंड इतनी आसानी से वो पोकेमॉन्स पकड़ रहा है। बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में, अभी अपने फ्रेंड के साथ गेम खेला और उसे बुरी तरीके से हराया, और देखो यार पैसे भी आ गए फटाफट यूपीआई से। एंड ये भी देखो, पोकेमॉन जर्नीज में जो गो है ना वो पोकेमॉन्स का लेवल नहीं देखता कि इस पोकेमॉन का लेवल ज़्यादा है, इस पोकेमॉन का लेवल कम है, वो सीधा पोकेबॉल फेंक देता है। एंड वो लेवल्स पर इसलिए भी ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका सपना ही है कि वो हर पोकेमॉन को पकड़ना चाहता है। और उसका यार तुम याद भी करो, जो उसने एरोडैक्टाइल पकड़ा था उसका लेवल भी ज़्यादा नहीं था। बट यहाँ पर मुझे बस ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि थोड़ा सा ना और बैक स्टोरी में उसका दम हो जाना चाहिए था। पता है मुझे वो लोनली फील करता था, बट और दम होना चाहिए था उसकी बैक स्टोरी में। एंड मैं चाहता हूँ कि वो फर्स्ट स्टेज पकड़े पोकेमॉन का एंड धीरे धीरे उसे इवॉल्व भी कराए। एंड थोड़ा सा ना यार मैं चाहता हूँ कि ऐश को भी मौका मिले, ऐश को भी स्क्रीन टाइम मिले। अभी हमारा पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 68 आया था, आई होप्ड कि वो जो एपिसोड था ना वो ऐश पर बेस्ड था, पर ऐसा नहीं था। उसमें भी गो को स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिला, गो के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताया। भले ही हमें ऐश के पोकेमॉन्स देखने को मिले, लिटरली हमें इन्फरनेप का पूरा बैटल देखने को मिला भी नहीं।
इन्फरनेप और लड़ना चाहता था। अब मुझे नहीं पता पोकेमोन कंपनी क्या चाहती है, बट हाँ इन दिस वीडियो में एंड में आपसे ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये गो की गलती नहीं है, ये गलती है पोकेमोन कंपनी की, क्योंकि वही इस स्क्रिप्ट को बना रही है एंड वही मौका दे रही है गो को इन सब पोकेमोन्स को पकड़ने का। एंड उसने लेजेंडरी पोकेमोन पकड़े प्लॉट आर्मर की वजह से पकड़े, क्योंकि पोकेमोन कंपनी ने वैसा उसकी स्क्रिप्ट लिखी एंड उसने वो पोकेमोन पकड़े। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यार सुईकोन तो यार लक से पकड़ लिया उसने, एटरनेटस भी उसने पोकेमोन कंपनी के दम से पकड़ लिया, बट मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा और कैरेक्टर डेवलपमेंट हो उसका एंड इतनी जल्दी वो म्यू को ना पकड़े। आई वॉन्ट कि यार म्यू जो पोकेमोन है ना, लिटरली मैं चाहता हूँ कि उसको पकड़ने में थोड़ा उसको टाइम लगे, क्योंकि म्यू एक मिथिकल पोकेमोन भी है एंड हर कोई नहीं पकड़ सकता। अभी अभी उस बच्चे ने यार अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, ऐश को देखो ना यार कितना स्ट्रगल किया। तो इन दिस वीडियो मैं बस आप सबको इतना बताना चाहता था कि गो कैसे पकड़ रहा है पोकेमोन्स को, जस्ट मैं तुम्हें बताना चाहता था विद दी हेल्प ऑफ कर्व बॉल उसके चांसेस बढ़ते हैं एंड वो इस टेक्निक से धूम मचा रहा है। एंड हाँ, अगर आपने पोकेमोन गो खेला है ना या नहीं खेला, तो वहाँ पर जाके तुम कर्व बॉल टेक्निक आजमा सकते हो। तो हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड हाँ यार, स्किल क्लैश डाउनलोड करना मत भूलना, इतनी ऑसम वेबसाइट पर जरूर जाना एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड जरूर जाना उस वेबसाइट पर, मजा आने वाला है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।